भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। हाँ सर, सर क्या कहना चाहेंगे आज की इस अफ्तार पार्टी के ताल्लुक साहब? सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम को रमज़ान मुबारक की पुरखलुस मुबारकबाद पेश करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान तआला का करम हुआ कि 24 रोज़े अपने तकरीबन हो गए, अब कुछ रोज़े बाकी है, लेकिन आप तमाम देख रहे हो कि किस तरह से अल्लाह का एहसान रहा, करम रहा कि हम तमाम ने अच्छे से रमज़ान बनाया और आज हम यहाँ भिवंडी में, भिवंडी शहर के हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं जनाब शादाब उस्मानी साहब, इनकी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो इफ्तार का आज अरेंज किया गया, इसकी मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा, इनको, हमजा भाई को, तमाम हमारे जो भिवंडी के मेंबर्स हैं, भिवंडी के जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम भिवंडी वालों को कि आप तमाम इतनी तादाद में यहाँ पर आए, हमारे साथ रोज़ा खोला, एक अच्छा काम है, सवाब का काम है, हम सब यहाँ पर बैठ के आज रोज़ा इफ्तार किए और मैं चाहूँगा कि इसी तरह सब इफ्तार करें, रोज़ा रखें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह सुबहान तआला इस रमज़ान मुबारक के पाक मुकद्दस महीने के बरकात से हमारे तमाम देश में अमन और शांति बनाए रखे, सब खुश रहें, आबाद रहें, परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर हो, बस यही दुआ है कि फिर से अल्लाह ताला हमको इसी तरह का रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाए फिर जल्दी से, क्योंकि अब तो बहुत जल्दी ईद अन करीब है, 6 रोज़े बचे हुए हैं। तो मैं अपनी जानिब से बस यही कहूँगा कि सब दुआ करिए अल्लाह सुबहान तआला से कि देश में अमन शांति बनी रहे, सब खुश रहें, आबाद रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें और भाईचारगी पैदा करते रहें और एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत जागरूक रहे, यही मेरी दुआ है इस रमज़ान में। सर कल जिस तरह से यूपी में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या प्रयागराज ब्रिज के सामने कर दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? कि ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है जहाँ से उस पॉलिटिकल बात की जाए, मगर फिर भी आपने जिक्र निकाला उस बात का, तो मैं कहूँगा कि हमारा देश चलेगा संविधान से, हमारा देश चलेगा कायदे कानून से, रूल ऑफ लॉ से, ना कि योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी या मिट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी से। अब आप तमाम ने देखा कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी के अंदर कुछ गुंडों ने आकर अतीक अहमद को और उनके भाई को गोलियों से छन्नी कर दिया, 18 राउंड फायर किए, तो पुलिस की प्रशासन की जवाबदारी बनती थी कि वहाँ पर कायदा कानून की व्यवस्था बराबर रखे, एडिक्वेट पुलिस सिक्योरिटी रखे, क्योंकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम पूरी तरह से इनकी हिफाजत करेंगे, खिदमत करेंगे, बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, पर देखने में यह आया कि कल अतीक साहब का और उनके अतीक अहमद और उनके भाई का कत्ल कर दिया गया। तो हम तो यही चाहेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरफेरेंस करे और एक कमेटी बनाए, हाई लेवल जुडिशियल कमेटी होना चाहिए जिसमें इंक्वायरी करे कि कहाँ कौन थे ये लड़के, किसने इनको भेजा, ये जो उन्होंने पिस्तौल यूज़ किया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी वाला है, कहाँ से लाए, क्या इनकी मंशा थी, किस तरह से नारे लगाए JSR के और गोली चलाते हुए चले गए, तो सारी चीज़ की जांच पड़ताल होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम तो बस ये मैसेज देंगे तमाम लोगों को कि आप शांति बनाए रखिए, सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर, कानून पर भरोसा रखिए, कानून से ही देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। लागो भाई, हाँ बोलो सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस अफ्तार पार्टी के तलब से, आपने इतनी बड़ी अफ्तार पार्टी क्या कहना चाहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना है और हम सभी ने एक नेक मकसद से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट वारिस पठान साहब जो पूरी मसरूफियत के साथ आज यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के मुकामी जिम्मेदार और शहर के सभी वो पदाधिकारी जिन्होंने पूरी मेहनत वो बहुत ही दिल की लगन के काम करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही पत्रकारों का भी। क्या मैसेज देना चाहेंगे भिवंडी शहर के वासियों? मैं भिवंडी शहर की आवाम को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को सब्र करने की सब्र करने का जो है उनसे गुजारिश करूँगा कि आज ये मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है ये माहौल नाखुशगवार माहौल बनाया जा रहा है और मैं चाहूँगा कि शहर के साथ साथ में पूरे मुल्क के सारे नागरिकों को अमन की तरफ जाना चाहिए, ना कि ये जो ठोक देने की पॉलिसी है इससे दूर रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के संविधान को ख़त्म करने की ये साजिश है। 2 दिन पहले ही हमने
मुल्क का जिन्होंने संविधान मनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जयंती मनाई और उनकी जयंती के अगले दिन ही इतना बड़ा कदम एक देश की असंवैधानिक कार्य करते हुए सरकार ने काम किया है, इसका मैं खंडन करता हूं और पूरे देश की आवाम से मैं अपील करता हूं कि अमन बरकरार रखें।